जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 19वां अध्याय। मेरे प्यारो, लूत के जीवन में एक विषय को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, जब स्वर्गदूत लोग सोदोम गोमरा आते हैं और कहते हैं कि सोदोम गोमरा को अग्नि से हम लोग नाश करने के लिए जा रहे हैं, मगर लूत तुम निकलकर यहां से चले जाओ। वहां पे स्वर्गदूत लोग लूत से एक बात कहते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर आया है, इसीलिए तेरे सामने एक चट्टान दिख रहा है, तेरे सामने एक पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ के तरफ अपने पत्नी को अपनी बेटियों को लेकर भाग जा, क्योंकि जब तक तू नहीं जाएगा तब तक इस शहर को हम लोग नाश नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारों, यहां पे गौर करने वाले एक बात है, परमेश्वर कहते हैं तेरे सामने चट्टान है, तेरे सामने पहाड़ है, वहां पे भाग जा, परमेश्वर तेरे रखवाली करेगा। मगर दुख की बात है, दोबारा लूत जो है गलत निर्णय ले रहा है। पहली बार जब सोदोम गोमरा हरियाली को देखकर धोखा हुआ और वो शहर पाप से भर गया, नाश के दहलीज के पर आ गया, दोबारा लूत के सामने परमेश्वर कहते हैं कि तेरे सामने पहाड़ है, उस पहाड़ के पर दौड़ जा, मगर लूत वापस गलत निर्णय लेते हैं, कहते हैं कि चट्टान बहुत बड़ा है कि मैं वहां पे भाग नहीं सकता, मुझे जो तराई जो है जहां पे मैं दौड़ सकता हूं, मुझे वहां पे परमिशन दे कि मैं वहां पे दौड़ जाऊं। ठीक है, परमेश्वर कहते हैं कि तेरी विनती को मैंने सुन लिया है, मगर लूत का वो जो गलत निर्णय चट्टान के बदले में जो सराई को जो चुनता है, पहाड़ के बदले में प्लेन को जो चुनता है, हम जानते हैं कि जब वो सराई पे गया, एक ऐसा हालातें जो वहां पे हुआ कि उसका संतान जो है वो पाप का संतान में बदल गया वापस। मगर परमेश्वर उसके पहले कहते हैं पहाड़ पर चढ़, क्योंकि परमेश्वर तेरी रखवाली करेगा, तुझे बचाएगा। क्या है वो पहाड़? यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर बैठकर उपदेश कर रहा है, पहाड़ के ऊपर बैठकर 12 चेलों को चुनते हैं, पहाड़ पर 10 आज्ञाएं मिलते हैं। जी हाँ मेरे प्यारों, पहाड़ पर अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जाता है, पहाड़ परमेश्वर का सन्निधान, पहाड़ प्रार्थना जीवन, पहाड़ परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता, पहाड़ परमेश्वर के वचन के साथ रिश्ता। अगर आप और मैं जो परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं वो चट्टान के ऊपर चढ़, परमेश्वर तेरी रखवाली करेगा। इन आखिरी दिनों में जब पूरा संसार जो है अहंकार में मच रहा है, मगर परमेश्वर का वादा जो है वो हमारे साथ है कि पहाड़ पर चढ़, चट्टान पर चढ़, परमेश्वर तेरी रखवाली करेगा। चिंता ना करना कि पीछे क्या हो रहा है, भविष्य क्या होने वाला है, परमेश्वर आज्ञा दे रहे हैं पहाड़ पर चढ़ो, परमेश्वर रखवाली करेगा, परमेश्वर सुरक्षा करेगा, परमेश्वर आशीष देगा, तुझे बचा के रखेगा। Climb the mountain, my dear brother, because when you climb the mountain, God will protect. Don't choose the plains because of the easy, but climb the mountain because your protection is waiting on the mountain. Pahad par chad, Parmeshwar tere raksha karega. God bless you.